हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मिलन। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल पर। इस वीडियो पर कुछ इम्पोर्टेंस बातें लेकर आया हूँ जो आपको कैश नाउ लोन अप्लाई करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो लोन अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आपको करना चाहिए और लोन अप्लाई करते के वक्त में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रख के जो है जो भी डिटेल्स देंगे वो भी ध्यान में रख के देना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पर। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया हुआ है कैश नाउ में कैसे लोन लेना है, कैसे अप्रूवल मिलेगा, कैसे कांटेक्ट करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कितना लोगों का हेल्प किया होगा, कितना का नहीं किया होगा, तो जिसका नहीं हुआ उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो खुद एक गरीब बंदा ठहरे तो ट्राई ही कर सकते हैं, है ना। तो जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो मेरा कैश नाउ का 1500 वाला देख सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर कार्ड में, मेरा पहले 3000 था, उसके बाद में मैंने नंबर चेंज किया, फिर 1500 हो गया। ठीक है, तो लोन अप्लाई करने से पहले आप इमरेट्स आईडी सब कुछ वेरीफाई करके, है ना, आपका इमरेट्स आईडी ध्यान में रखना चाहिए, थोड़ा सा वैलिडिटी हो उसमें, एक्सपायर ना हो। ठीक है, और उसके बाद में प्रोफाइल जो आइकन है उसमें क्लिक करके आपको क्रेडिट लिमिट में क्लिक कीजिए और ऑपरेट और ऑथोराइजेशन इसको डॉन कीजिए। ईमेल को एक बार आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में जो बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें आप आपका लास्ट 3 मंथ्स का एटलीस्ट जो बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप एक फ़ोटो बना के गैलरी में सेव करके आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। मैंने अभी अभी वीडियो बनाया हुआ है, मेरा चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे बैंक स्टेटमेंट को लेना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर ऑथोराइजेशन होता है, आप डू या फिर एतिसलत सिम कार्ड यूज करते होंगे तो डू, नहीं तो एतिसलत एप्लीकेशन के साथ में आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के आपको इसको ऑथोराइजेशन ऑन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोन अप्लाई करेंगे, जितना भी आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में टेक मनी में क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपका सैलरी के हिसाब से, वीज़ा के हिसाब से दीजिए। ठीक है, यहाँ पर और जहाँ पर भी आप रहते हो आपका करेक्ट एड्रेस, आपका करेक्ट रिलीजन, पासपोर्ट नंबर डाल के नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद में ये जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है अभी कैश नाउ, क्योंकि अभी चालू कर दिया आपका जो रेफरेंस नंबर में कॉल करने के लिए, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम पर अप्लाई करेंगे कैश नाउ लोन को तो आपको कैश नाउ के साथ कुछ भी लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो आपके बारे में कैश नाउ को कुछ पता नहीं होता है, इसलिए आप जो भी नंबर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर वो लोग को कॉल करके पूछेंगे आपने, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिबलिंग दिया हुआ है, सिबलिंग का मीन्स ब्रदर, तो उसके नीचे मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर पर कैश नाउ कॉल करेगा और उनसे पूछेगा कि आपका ये ब्रदर है कि नहीं है, और आप दोनों का कैसा रिश्ता है, सच में जानते हो कि नहीं, ऐसा सब कुछ पूछेगा। ठीक है, तो आप जब भी यहाँ पर नंबर देंगे या फिर रिलेशन रखेंगे तो करेक्ट रखना, जैसे कि आपका वाइफ है, हस्बैंड है तो स्पोस में रखने, पेरेंट है तो पेरेंट में रखना, सिबलिंग मतलब ब्रदर है तो ब्रदर, नहीं तो आप ट्रस्टेड फ्रेंड में किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को रखना और वो जो फ्रेंड है उसको भी बोलना थोड़ा सा पहले कि ऐसा ऐसा लोन अप्लाई कर रहा हूँ, अगर फ़ोन आया तो भाई मेरे लिए सच बोल देना, ऐसा बोल के। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर दोनों में करेक्ट देने के बाद में जो यूएई के अंदर का नंबर होना चाहिए उसके बाद में नेक्स्ट क्लिक करना है, और आपके बाद उसके बाद में आपको यहाँ पर डू या था एतिसलत आपका जो भी नंबर आप यूज करते हो उसमें क्लिक करके आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, उसके बाद में आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो यही था आज के लिए वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।